नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चांदी के बारे में, अर्थात दोस्तों सिल्वर के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें चांदी की, किसकी भैया जी? चांदी की। तो दोस्तों चांदी जो होती है हमारी, उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, वो क्या होता है? ए जी। क्या होता है दोस्तों? ए जी होता है। अगर हम ए जी की बात करें तो दोस्तों ए जी जो है, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ए जी, यानी जो ए जी है वह एक संक्रमण धातु है। क्या है दोस्तों? संक्रमण धातु है। अच्छा, ये संक्रमण धातु क्यों है? क्यों है भैया? ये डी ब्लॉक का तत्व, ये देखो हमारा बैठा ए जी, यानी कॉपर के जस्ट नीचे ए जी बैठा है। अब भैया ए जी संक्रमण धातु क्यों है? क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। तो भैया जो ए जी है वो हमारा क्या? एक संक्रमण धातु है। ठीक भैया, आगे अगर हम बात करें तो ए जी दोस्तों क्या है? एक श्वेत, कैसी है दोस्तों? श्वेत संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु है, ठीक भैया, जो किसकी बेटा? ऊष्मा। जो एजी है भैया वो हमारी ऊष्मा और विद्युत की, ठीक है, सबसे अच्छी चालक है। सबसे अच्छा चालक है भैया जी, अगर हम बात करें विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन है, तो भैया जी हमारा हो जाएगा चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन है? यानी चांदी दोस्तों एक श्वेत संक्रमण धातु है, जो सबसे अच्छा चालक है, यानी उत्तम चालक है। ठीक है दोस्तों, काहे का उत्तम चालक है दोस्तों? विद्युत का। ठीक भैया, अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो दोस्तों ए जी का जो प्रतीक चिन्ह होता है ए जी, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है 47। कितना होता है भैया जी? 47। परमाणु भार की बात करें तो दोस्तों इसका परमाणु भार होता है 107.86। कितना होता है भैया जी? इसका परमाणु भार होता है 107.86। संयोजकता की बात करें तो दोस्तों इसकी संयोजकता होती है एक। कितनी होती है भैया जी? एक। संयोजकता, क्योंकि इसके पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता एक होती है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, किसकी भैया जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इसकी हम सेल्स देख लेते हैं। जो सेल होती है, जो पहली सेल होती है दोस्तों, वो के होती है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो पहले ऊर्जा स्तर में दोस्तों सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 भैया जी, चौथे में भी 18, और पांचवे में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ हमारा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ भैया जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखो 4s2 को पहले रखेंगे, 3d10 को बाद में रखेंगे, क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों हमारा? 4p क्या हो जाएगा दोस्तों? 6, और फिर क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? 4d10, और 4d10 और 5s1। दोस्तों ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसमें पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दोस्तों 8, फिर 18, फिर से 18, और अब कितना बचेगा? 1। ठीक दोस्तों, तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर दोस्तों हम इसके प्रत्येक, इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को गिने, तो भैया देखो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भैया जी? 47। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते भैया जी? 47 भैया जी, 47 इसका इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 47। न्यूट्रॉनों की बात करें तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या इसकी होती है 61। कितनी दोस्तों? 61, अर्थात 61। इसके उपयोग की बात करें तो भैया सबसे पहली बात तो ये एक कीमती धातु है। क्या है दोस्तों? इसका उपयोग सबसे पहले हम लोग करते हैं दोस्तों आभूषण बनाने में। आभूषण, और क्या बनाते हैं दोस्तों? सिक्के बनाते हैं। प्राचीन काल में सोने चांदी के ही सिक्के चलते थे, तो पहला इसका उपयोग क्या होगा दोस्तों? आभूषण और सिक्के बनाने में। दूसरा मूर्ति, देखो आभूषण, आभूषण बनाने में, और हम लोग क्या करते हैं? सिक्के बनाने में करते हैं। दूसरा उपयोग इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदी के बर्तन बनाने में।
ठीक है, पहले के राजा महाराजा लोग चांदी के बर्तनों में भोजन किया करते थे, तो दोस्तों हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। क्या हो गया दोस्तों? आभूषण बनाने में, सिक्कर बनाने में, बर्तन बनाने में। दोस्तों हम लोग चांदी का वर्क बनाने में करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सिल्वर वर्क बनाने में, सिल्वर वर्क बनाने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों इसका उपयोग क्या करते हैं? मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों औषधि निर्माण में, चांदी जो दोस्तों होता है इसका उपयोग हम लोग औषधि निर्माण में भी करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में करते हैं भैया जी। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, इसके अलावा और इसके उपयोग क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके अलावा हम लोग इसका उपयोग करते हैं दोस्तों धातु लेपन में। किस में करते हैं दोस्तों? धातु लेपन में करते हैं। ठीक दोस्तों, यानी धातु लेपन में भी दोस्तों हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका दोस्तों? चांदी का। तो उपयोग की बात करें दोस्तों, पहला उपयोग क्या होता है दोस्तों? इसके हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। ठीक दोस्तों, आभूषण। इसके बाद हम लोग सिक्के बनाते हैं दोस्तों, बर्तन बनाने में करते हैं इसका उपयोग। फिर क्या करते हैं दोस्तों? सिल्वर वर्क बनाते हैं इससे हम लोग। फिर क्या करते हैं दोस्तों? मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तियों के अलावा औषधि निर्माण में करते हैं, धातु लेपन में करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम इसकी आवरसारणी में स्थित, तो दोस्तों अगर हम सिल्वर की आवर्त सारणी में स्थित की बात करें, तो भैया सिल्वर जो हमारा है दोस्तों आवर्त सारणी में वर्ग 11 में स्थित है। किस वर्ग में दोस्तों? वर्ग 11 में, अर्थात जिसे हम लोग फर्स्ट वी वर्ग भी कहते हैं। तो भैया अगर हम बात करें आवर्त सारणी में सिल्वर की स्थिति किसकी दोस्तों? एजी अर्थात सिल्वर की स्थिति क्या है? तो दोस्तों ये वर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वर्ग हमारा हो जाएगा 11वां। 11वां वर्ग को दोस्तों हम लोग फर्स्ट वी वर्ग भी कहते हैं। आवर्त की बात करें तो भैया जी आवर्त हमारा हो जाता है फिफ्थ आवर्त। कौन सा भैया जी? फिफ्थ आवर्त, क्योंकि ये हमारा फिफ्थ आवर्त का तत्व है दोस्तों। किस आवर्त का तत्व है दोस्तों? फिफ्थ। तो आवर्त हो जाएगा हमारा फिफ्थ। ब्लॉक की बात करें तो भैया यह एक संक्रमण धातु है, और संक्रमण धातु किस ब्लॉक की है? डी ब्लॉक की। तो दोस्तों ब्लॉक हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ब्लॉक हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कृत्रिम वर्षा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? कृत्रिम वर्षा में हम लोग किस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों AgI अर्थात सिल्वर आयोडाइड का। किसका दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, तो सिल्वर आयोडाइड का दोस्तों उपयोग हम लोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। लेकिन पूछे फोटोग्राफी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। किसका दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड अर्थात AgBr। AgBr का उपयोग दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? फोटोग्राफी में। लेकिन कृत्रिम वर्षा में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। अलावा दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ बैठे दांतों के, किसके दोस्तों? दांतों के छिद्र, दांतों के छिद्र भरने में, भरने में हम लोग किस धातु का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वो हो जाएगी हमारी चांदी। अर्थात दोस्तों चांदी का ही उपयोग हम लोग करते हैं दांतों के छिद्र भरने में। जिस कुछ लोगों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो दांतों कैसे हो जाते हैं दोस्तों? खोखले हो जाते हैं। तो दांतों में छिद्र भरने के लिए दांतों के हम लोग दोस्तों सिल्वर का उपयोग करते हैं, अर्थात चांदी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सिल्वर अर्थात चांदी से संबंधित प्रश्न। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।